बधाई हो अर्जुन। और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। अब समय है अंतिम द्वंद का, जो कुमार दुर्योधन और अर्जुन के बीच होगा। विजयी भव पुत्र दुर्योधन, अपने गुरु की शिक्षा की लाज रखना अर्जुन पुत्र। ये क्या, दुर्योधन अर्जुन से इतना दूर क्यों खड़ा है? इतनी दूर से गदा का प्रहार कैसे कर पाएगा? कुछ तो है, लगता है दुर्योधन युद्ध के लिए गदा नहीं कोई और नीति प्रयुक्त करेगा। मुझे फूंक से उड़ा देने का स्वप्न देखा था ना आपने? पहले मेरे बाणों की आंधी से तो बच के दिखाइए। अचानक चक्रवात कहां से आ गया?
धनुर्धरों के पास चक्रवात को काटने का कोई उपाय नहीं। उपाय है शैलास्त्र, परंतु उसके लिए चक्रवात के भार होना होता है जो अर्जुन नहीं है, या फिर ध्यान स्थिर करना पड़ता है जो दुर्योधन अर्जुन को नहीं करने देगा। अर्थात विजय दुर्योधन की होगी? विजय तो अर्जुन की ही होगी, बस उसे शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। तुम्हें चाहे जितनी माया फैलानी है फैला लो अश्वत्थामा, जितने छल करने हैं कर लो, परंतु सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तुम अर्जुन का सामना कर रहे हो, अर्जुन का। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, अब वह है आभास। लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। शिरास्त्र शब्द भेदी संधान के भांति प्रयुक्त होता है। इसकी काट केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता है, अति उत्तम अर्जुन, अति उत्तम। द्वंद्व में कौन जीता कुंती? पुत्र कुमार अर्जुन की। उत्तर प्रजा के कोलाहल ने दे दिया है। दुर्योधन सुरक्षित तो है ना विदुर? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए राजकुमार दुर्योधन को परास्त किया है। आज की रंगभूमि का विजेता पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को घोषित किया जाता है। We'll be right back.
हस्तिनापुर वासियों, आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप। जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं, वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं। अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा।